कमल का घर है? आप? मैं रजत, भाभी नमस्ते। नमस्ते, आइए अंदर। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ भाभी। हेलो। हाँ भाई, मैं पहुंच गया। अच्छा, सुगंधा ने चाय पानी पूछा? हाँ। कब आए? हाँ बस अभी आकर बैठा, पानी पी रहा हूँ। लो लो, आप बात कीजिए ना। हेलो। हेलो सुगंधा, रजत को चाय नाश्ता करवाओ और इसको इसका कमरा दिखा दो। जी। और मैं जल्दी आ जाऊँ। जी जी। भैया ये आपका रूम है और इसमें वॉशरूम नहीं है, तो आप ये वाला वॉशरूम यूज करना। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ओह थैंक यू। अभी तक तो कोई आया नहीं है। दरवाजे पर कोई है, लगता है शायद वही होगा, मैं देखती हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये लीजिए आपके केले। जी किससे मिलना है? आप कौन? दीदी आप पहले अंदर आइए। ये लो सुगंधा, कुछ फल मंगवाए थे, सोचा तुम्हें भी दे दूं। दीदी इसकी क्या जरूरत थी? रख भी लो। ये महाशय कौन है? दीदी ये रजत है, कमल के दोस्त। और भैया ये निखत दीदी है, अपने नीचे वाले फ्लैट में रहती है। अच्छा अच्छा, पड़ोसी हैं आपकी? जी। अच्छा आप बातें करो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो तुम करण के दोस्त हो, पहले कभी देखा नहीं? एक्चुअली यहाँ मेरा पहली बार आना हुआ है। शादी हो गई तुम्हारी? अरे कहाँ, अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है। हाँ मैं घर पर ही मिलूंगी। दीदी चाय? नहीं सुगंधा, मुझे अभी जाना होगा, बुआ की बेटी आई है, वो इंतजार कर रही है। पर दीदी चाय तो पीती जा। वो मैं फिर कभी पी लूंगी। वैसे मुझे तुम्हारे देवर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। चलो मैं चलती हूँ। आते रहिए। भैया मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। आप निखत दीदी के बारे में इन्हें कुछ मत बताना। ऐसा क्यों मामी? उन्हें ऐसा लगता है कि निखत दीदी बुरी औरत है, उनके चाल चलन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे उनसे बात करने के लिए मना किया है। ओह ऐसी बात है, आप टेंशन मत लो भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। Cheers. यार रजत तू भी अभी शादी कर ले यार। हाँ यार मैं भी सोच रहा हूँ शादी कर ही लेता हूँ, पहले ना मेरी ये जॉब सेट हो जाए, फिर भाभी जैसी एक सुंदर लड़की से मैं शादी कर लूँगा। तो तू मानता है कि मेरी चॉइस अच्छी है? ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो मांग भी रहा हूँ भाभी जैसी एक सुंदर लड़की। यस। अरे राजा इतना बन ठनकर कहाँ जा रहे हैं? वो इंटरव्यू है, लगता है आज काम बन जाएगा। अच्छा ऐसा है? और क्या, जब शुरुआत ही इतनी खूबसूरत हो तो आगे भी अच्छा ही हो।
बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं। सिर्फ बातें ही नहीं, हम आदमी भी बहुत अच्छे हैं। कभी आजमा कर देखिए। देखेंगे। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे रजत। हाँ भाई। वो तुम्हारा जो सेकंड इंटरव्यू राउंड है वो कब होने वाला है? कंपनी के एचआर ने आज लंच आवर के बाद बुलाया है। अच्छा। हाँ तो बहुत बढ़िया है। हाँ थैंक यू। थैंक्स भाभी। और ऑफिस का माहौल कैसा है? अच्छा है, अभी कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा चलो अच्छा है, एक बार तुम्हें जॉब मिल जाए फिर अपनी सोसाइटी में तुम्हें घर भी दिला देंगे, ठीक है? हाँ अच्छा रहेगा। लेकिन एक औरत से सावधान रहना, ठीक है? कौन? अरे वो अपना निखत है उसका नाम, अपने फ्लोर के नीचे ही रहती है, उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, उससे दूर ही रहना, ठीक है? चलो तो मुझे लेट हो रहा है, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। अजी आपका टिफिन। भूल गया था, थैंक यू। भाभी कमल निखत के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे? मैं तो डर ही गई थी कि आप उनको बता ना दे कि मैं निखत से मिली हूँ। अरे भाभी आपने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझ रखा है क्या? अच्छा मैं अपना काम कर लेती हूँ। चूड़ी। अरे चूड़ी वाले भैया रुकिए एक मिनट। भैया कोई फैंसी चूड़ी है तो दिखाओ। है ना मैडम, आपके जैसी। भैया थोड़ी बड़ी दिखाओ, मेरे हाथ में नहीं घुस रही। साइज तो सही है मैडम। आराम से, दर्द हो रहा है। हो गया, देखा कैसी जच रही है चूड़ियां। कितना हुआ? 100 रुपया हो गया, आप जो चाहे दे दो। वैसे आपसे क्या मोल भाव करना। अरे वाह दीदी, आज इतना बंठन के किस पे बिजली गिराने जा रही हो? अरे कहीं नहीं, ये साड़ी बहुत समय से रखी थी, सोचा रखे रखे खराब ना हो जाए इसीलिए पहन ली। और ये चूड़ियाँ आज ही खरीदी हैं। बताओ कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है, आइए अंदर। हाँ दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे तुम रुको, तुम एकदम से चाय की क्यों पड़ी रहती है, आओ बैठो मेरे पास। तुम्हारे देवर नहीं दिखाई दे रहे, चले गए क्या? आज उनकी इंटरव्यू का दूसरा राउंड है तो नहाने गए। भाभी। हाँ? मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं भाभी लंच नहीं करना है, नाश्ता काफी हैवी था, मुझे बस एक चाय दे दो। ठीक है।
दीदी चाय। अरे आज तो आप गजब ढा रही हैं। किसी को मारने का इरादा है क्या? मैं किसको मारूंगी, मैं तो बस अपनी उम्र छुपा रही हूँ। कैसी बातें करती हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है? वैसे दीदी क्या उम्र होगी आपकी, तुम बताओ। 29। थर्टी टू, ना ज्यादा ना कम। तुमने इतना सटीक अंदाज कैसे लगा लिया? बस वैसे आप इतना बंठन के कहीं बाहर भी जाते हैं या बस सोसाइटी में घूमती रहती है? गुप्ता जी सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं, अब मैं अकेली कहाँ जाऊं? वैसे आपके पति करते क्या हैं? बैंक में कैशियर है। अच्छा, मतलब नोटों को गिनने का काम? नोट ही गिन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मतलब? मतलब कि सिर्फ नोट गिन सकते हैं, नोट को घर तो नहीं लेकर आ सकते हैं। अच्छा, वैसे मुझे इजाजत दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, फिर कभी मिलते। रुको, मैं भी चलूंगी। अरे दीदी आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। अरे वो दूध वाले का आने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। ठीक। मुझे लगा कि वो सीधा साधा लड़की होगी, लेकिन वो तो वाइल्ड कैट निकली। सुगंधा कहाँ खोई हुई, कब से आवाज दे रहा था मैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो? हाँ ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? सुनो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम कुछ भी बनाने को रहने दो, मैं बाहर से खा लूंगा। और हाँ सुनो, रजत आए तो उसे चाय नाश्ता करवा देना, ठीक है? ठीक है।